कोई एक सरकार की एक योजना का नाम बताओ। अरे हमें भाई पता ही नहीं योजना पर। तो पता नहीं है तो फिर लाभ कैसे लोगे? लाभ मिलता रहता है। के लिए सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, कोई दो योजना बता दी। युवाओं के लिए दो योजना, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ 10 साल बेमिसाल। आप योजना की छोड़िए, कौन कौन सी योजना, 2-3 योजना आप मुझे पहले गिना के। भाई पहली बात तो मैं बीजेपी का उल्टा हूँ। कुछ महिलाओं की योजना के बारे में आप बताएं, 1-2 योजना का नाम बताओ आप। नाम तो मेरे को ऐसे रिमाइंड नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए तो मेनली हमारे केजू भैया ज्यादा जिम्मेदार है। बेवकूफ बनाया गया 10 साल में जी, चला रही है, लेकिन कुछ योजना पता है कुछ नहीं। यही सफाई अभियान में। सफाई अभियान में कौन सी योजना है? बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करके भूल जाती है, लेकिन जनता तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो ऐसे ही आदम गोंडवी की एक कविता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं या दावा किताबी है। क्या नाम है भैया आपका? किसी एक योजना का नाम बता दो। अरे बताते रुको, सोचने दो। हाँ सोच लो। नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और इस समय हम मौजूद हैं डी पार्क में। कहते हैं कि सरकार ने पिछले 10 साल में विकास किया है, जनता के इस पर क्या विचार हैं और क्या जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता को पता है या नहीं पता है? क्योंकि सरकार कुछ भी ला दे, लेकिन अगर जनता को इन योजनाओं के बारे में नहीं पता है तो फिर क्या फ़ायदा? ऐसे में आज हम थोड़ा अलग तरीके से रिपोर्टिंग करके आपको दिखाएंगे और कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है और क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता को पता है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मयंक शुक्ला है। मयंक जी कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली से हूँ। प्रॉपर दिल्ली से हैं? पूरा दिल्ली से। अच्छा, पिछले 2 सेमेस्टर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ ये तो आपको पता ही होगा, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ योजनाओं के बारे में आप जानते हैं क्या? योजनाओं के बारे में जैसी जो भी निकलती रहती है आजकल, मतलब वो अग्निवीर कह लो या फिर काफी सारी योजनाएं वो निकालते ही रहते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ महिलाओं की योजना के बारे में आप बताएं, 1-2 योजना का नाम बताओ आपको। नाम तो मेरे को ऐसे रिमाइंड नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए तो मेनली हमारे केजू भैया ज्यादा जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल, सॉरी केजरीवाल जी। हाँ अभी वो जेल में है, कैसा मतलब क्या लगता है आपको उस पर? नहीं वो अभी जेल में है, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन जेल में एक पल के लिए होली में हम सोचे कि होली पानी का बिल ना आ जाए, इसलिए बड़ी सावधानी से खेला हमने होली, पानी का भी बिल ना आ जाए। हाँ जेल में इस पे तो क्या ही बोले, अब पता नहीं हुआ कुछ कांड वांड किया होगा। शराब नीति मामले में जेल में है। हाँ शराब नीति मामले में। हाँ अच्छा तो मैं फिर से अपने मुद्दे पर लौट के आते हैं, क्योंकि हम जनता को और अपने व्यूअर्स को डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। सीधा सीधा जानना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है, कोई एक योजना का नाम आप बताएं। महिलाओं के लिए ढेरों, ऐसे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो वैसे नॉर्मली सारी पता होगी। युवाओं के लिए? युवाओं के लिए बहुत सारी, युवाओं के लिए अग्निवीर निकाल रखा है, वही सबसे बड़ी एक तरीके से लगती है, लेकिन वो भी इतना तो मतलब दिखाई नहीं है। मतलब जो देखा था कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने जैसे उत्तराखंड के मेनली ज़्यादातर जाते हैं, लेकिन लगा नहीं कि मतलब बहुत गए हैं। कि दोस्तों हम आपस में ग्रुप में बैठ के बातचीत करें तो उनका तो वही बताया था कि भाई बहुत कम निकले। अच्छा, उद्यमियों के लिए, मतलब जो उद्यमी है या एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप स्वरोजगार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप चाहते हैं, कोई योजना जानते हैं आप उनकी स्टार्टअप की? तो हाँ जैसे सरकार अब थोड़ी हेल्प कर रही है, काफ़ी सारे जैसे हेल्प करने के तैयार है कि आप स्टार्टअप करो, अपने प्लान्स आइडियाज लाओ, ये सब इन सब के लिए तो तैयार है सरकार में एक तरीके से। कि वही कहते हैं, एक योजना का नाम बताएं जो आपको पता है। योजना भी रिमाइंड नहीं है पर्टिकुलर, ऐसे वर्ड नाम नहीं रिमाइंड है अभी, योजना का नाम नहीं रिमाइंड है। अच्छा आपके हिसाब से पिछले 10 साल में कैसा काम हुआ है? जैसे देखा जाए ना, पहले से काफ़ी अभी चेंज हुआ है। जैसे मैं तो एक बढ़ती पीढ़ी हूँ, साफ सीधी बात, बढ़ती पीढ़ी, मेरी बढ़ती पीढ़ी के साथ जो डेवलपमेंट मैं देखता आ रहा हूँ ना, हाँ इम्प्रेसिव है, साफ सीधी बात इम्प्रेसिव है, हर जगह हर साइड से। मैं एक ही साइड से नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये समझे आजकल क्या ही चल रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, रिपोर्टिंग कर रहे हो आप कौन सी साइड, समझ ही रहे होगे, धार्मिक पर्पस मेनली उसी साइड से नहीं, लेकिन काफ़ी डेवलपिंग में भी काफ़ी लगता है कि हाँ मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। और हाँ जैसे अभी साफ सीधी बात यही बोलूँगा, इसमें मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अभी पीएम के लिए हर कोई मोस्ट ऑफ मोदी जी को ही चाहता है, बाकी का बाकी आगे देखेंगे कि कौन कैसे, यही चाहते हैं बाकी। ठीक, तो कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनको सरकार की किन किन योजनाओं के बारे में पता है। क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी क्या करते हैं? जी मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूं। करते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा आपको लगता है कि सरकार तमाम सारी योजनाएं चला रही हैं, आपको योजनाओं के बारे में पता है? जी चला रही है, लेकिन कुछ योजना पता है कुछ नहीं पता है। कौन कौन सी योजनाएं पता है, 1-2 नाम बता दीजिए।
यही सफाई अभियान में। सफाई अभियान में कौन सी योजना है? स्वच्छता भारत युवाओं के लिए। ये भाई साहब बहुत हंस रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा, क्या नाम है आपका? बहुत हंस रहे हैं, क्या नाम है? विशाल कुमार। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ इसकी तरह। अच्छा, तुम भी जॉब करते हो। अच्छा, सरकार युवाओं के लिए कौन सी योजना चला रही है? कुछ ये की योजना का नाम नहीं पता भाई। तो पता नहीं है तो फिर लाभ कैसे लोगे? लाभ मिलता रहता है भाई, उसके ऊपर हंसी आ जा रही है मन के ऊपर। पता नहीं है, लाभ मिलता रहता है ना भाई? पता नहीं है लेकिन लाभ मिलता रहता है। पता करने की कोशिश की? आप बताओ। सरकार युवाओं के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको किन किन योजनाओं के बारे में पता है? कोई एक दो योजना जो सरकार की आपको पता हो बताओ, अगर कोई भी सोच कर किसी एक योजना का नाम बता दो। अरे बताते रुको, सोचने दो। हाँ सोच लो, जब तक ये सोचते हैं तब तक कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। अरे रुको ना, रुको, अरे रुको ना, अरे रुको ना, आप तो कहाँ भागे जा रहे हो यार, बात नहीं करोगे तो क्या मतलब? क्या नाम है आपका? अनुज। कोई एक सरकार की एक योजना का नाम बताओ। अरे हमें भाई पता ही नहीं योजना। तो फिर कैसे आप लाओगे? युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं भाई, मुझे नहीं पता कौन सी योजना। हम तो काम से फोकस करते हैं। अच्छा, काम पे फोकस करते हो, बाकी सरकार की योजनाओं के को सरकार खाने को दे रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको क्या तो सरकार आ जाएगी क्या देने के लिए? नहीं, क्यों नहीं, मतलब देश के विकास के लिए जाहिर सी बात है ये योजनाओं को लागू किया गया, अगर आपको ही नहीं पता है इन योजनाओं के बारे में तो आप लाभ कैसे लेंगी? बेरोजगारों के लिए बेरोजगार भत्ता मिल रहा है, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह से उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, युवाओं के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं, वृद्धाओं के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं। आपको कोई एक योजना बता दो, कोई एक योजना का नाम। भाई यार मुझे नहीं पता, देखो भाई कोई नहीं नहीं पता भाई। आपने सोच लिया? नहीं भाई, किसी अंकल जैसे को पकड़ो क्यों यार, पूरा देश हमारा जवान है, आप बोल रहे हो अंकल जैसे लोगों को पकड़ो, युवाओं को जब नहीं पता है तो फिर हमको पता नहीं है ना। उनको तो मतलब एक टाइम हो गया है, उनको आपको लाभ लेना है ना सरकारी योजनाओं का। हमको तो पता नहीं, भाई काम करते हैं, काम से मतलब लगते हैं। लेकिन मेरा एक ही सलाह है कि कम से कम इतनी योजनाएं पता करो, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ये सरकार आपके लिए लागू करती है, तो जब आप इनको इनके बारे में ही नहीं जानोगे तो कैसे आप इनको देखोगे, कैसे इनका आप लाभ लोगे? कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनको सरकार की किन किन योजनाओं के बारे में पता है। सबसे पहले तो आप बताइए कि सरकार की कितनी योजनाओं के बारे में आपको पता है, कौन कौन सी योजना, दो तीन योजना आप मुझे पहले गिनाइए। भाई पहली बात तो मैं बीजेपी का उल्टा हूँ। आप बीजेपी के उल्टे हैं या कांग्रेस के सीधे हैं वो आपका विचार है, मैं आपसे सिर्फ बीजेपी की चल रही है तो सॉरी भाई, मैं अगर कुछ बोलूंगा ना तो फिर आप बोलिए ना, आप स्वच्छंद है बोलने के लिए, आप बिल्कुल स्वच्छंद है, आपका विचार है और इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी पार्टियां अपने देश की हैं और देश के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। आपका जो भी विचार है वो आपका है। अब आप बताइए कि सरकार की कौन कौन सी योजना के बारे में आपको पता है। देखो योजनाएं तो बस मेरे को एक ही पता है, सुकन्या योजना है, कुछ है सुकन्या समृद्धि योजना, वो जो डाकखाने में खुलता है खाता बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, तो उसमें है, बाकी योजनाएं बहुत हैं। अच्छा, 10 साल अगर काम होगा तभी तो पता चलेगा ना, हम बोलने को तो बोल देंगे कि ये इसको योजना है, ये योजना है, उस योजना पे अगर हम डीप पे जाएंगे ना तो उस पर कुछ काम होगा तभी तो हम देखेंगे ना। अच्छा, पिछले 10 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं अगर आपको बताना हो तो? कुछ काम नहीं हुआ भाई मेरे सामने, तो मेरे को लग रहा है कि बस सिर्फ बेवकूफ बनाया गया 10 साल में। अच्छा, इस बार आप किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? भाई मैं किसी को नहीं देखता हूँ, मेरी तो वोट ही जाएगी नोटा को। अच्छा, क्योंकि नोटा दबाएंगे, कोई चेहरा है ही नहीं। क्यों, विपक्ष में तमाम सारे चेहरे हैं, अखिलेश यादव, राहुल आएगा वो भी वही हालात है, मोदी आएगा वो भी वही हालात है, मिडिल क्लास तो वो जाएगा। केजरीवाल, देखो केजरीवाल को तो पहले ही डर के उसका तो डर ही बहुत है, मोदी को उसको तो पहले ही फेंक दिया, शेर का डर होता है ना, तो वो डर से उसको निकाल दिया पहले ही अंदर, अभी उससे इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा दो, राष्ट्रपति शासन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसका क्या मतलब है यार? राजनीति है तो तरीके से करो ना, ये कौन सा है कि हाँ वो शराब घोटाला कर रहा है या कोई कर रहा है,
बाकी नेता नहीं कर रहा है, बीजेपी नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी 17-17, 18-18 लाख की जैकेट पहनता, वो कहाँ से आ रहा है? वो गरीबों का पैसा, हमारा पैसा है, हमारा ही टैक्स दिया हुआ है, लेकिन वो दिखता ही नहीं है। वो अंधभक्त है ना, उनको दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। वो पर्दा पड़ जाएगा, क्योंकि बोलेंगे नहीं वो कर दिया 370, ये 370 कहाँ हटी भाई, वो तो नाम किया है लोगों को, मतलब बेवकूफ बनाने वाली है बात। अच्छा अगर आपके हिसाब से सब लोग सोचने लगे कि मैं नोटा को दे दूंगा, वो ठीक है आपका विचार है, तो फिर देश में कैसे विकास होगा, कैसे सारी चीज नए होंगी? मतलब कोई ना कोई आप किसी ना किसी को तो देख रहे हैं ना। देखो मेरी फैमिली में बहुत से मेंबर हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो मैं उस बिहाफ से देखूंगा तो मेरे को कांग्रेस चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस का टाइम था DA DA सब कुछ अच्छे से बढ़ता था। अभी इन्होंने तो 8 पे कमीशन भी नहीं बैठाया। और दूसरी बात यह है कि आपको पता लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में अभी हुई है, 10 साल में ये रूल होता है, 10 साल 11 साल बाद होती है। अब 24 चल रहा है, क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि हम बहुत आगे चले जाएंगे, दिखा देंगे कि हमारी जनसंख्या बहुत आगे चली गई, चीन को भी पिछाड़ दिया, इसलिए नहीं हो रही ना, तो क्यों नहीं हो रही भाई? तो आपको लगता है कि बहुत सारी खामी, गवर्नमेंट का ही ये फर्ज है कि जनगणना करना, सब देखना, ये पब्लिक तो को तो फिर हम जैसे मर्जी वो बेवकूफ बना लेंगे कि हाँ जय श्री राम का नारा ला देंगे, तो उससे कुछ नहीं है यार, धर्म से कुछ नहीं है। धर्म को लाओगे तो सब खत्म है, इंसान भी नहीं रह जाएंगे यहाँ पे अगर धर्म को लाओगे तो। वो धर्म के नाम से राजनीति हो रही है, तो वो चल रहा है। मतलब आपको लगता है कि धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और देश में विकास और रोजगार और तमाम मुद्दे पे बातचीत? बिल्कुल, राजनीतिक सिर्फ, आप एजुकेशन देखो, आप हेल्थ को देखो, हॉस्पिटल देखो, आप डेवलप देखो, ये थोड़ी है कि आप धर्म के नाम पे हम सब कुछ नहीं है ना धर्म, लेकिन भगवान ऊपर भी है, वो देखता है सब कुछ है, अगर भगवान है तो। वो तो कह रहे हैं कि भगवान उनके साथ है। देखो मैं बोलूँगा मेरे साथ है तो कहाँ चल रहा है भगवान भाई? भगवान तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, किसी के लिए अच्छा करेंगे, तभी तो होगा ना, वही तो भगवान है। ये तो फूल पत्तियों में भी भगवान है, अगर इनको हम पानी ना देंगे तो सूख जाएंगे ना, तो वही चीज़ है भाई, अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, जनता से हम सीधा जानने निकले हैं कि आखिर पिछले 10 साल में देश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और जनता को सरकार की किन किन योजनाओं के बारे में पता है। कुछ और लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? राकेश। राकेश जी क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनी में जॉब। अच्छा, आप सभी लोग प्राइवेट कंपनी जॉब कर रहे हैं। सरकार की कोई एक योजना के बारे में आप बता दीजिए, कोई भी योजना जो आपका, उसका सिर्फ नाम ही बताना है, कोई एक योजना का नाम। उज्ज्वला है आपका, ये जो सिलेंडर देते हैं लेडीजों को, उज्ज्वला योजना हो गया महिलाओं के लिए आपका ये कन्या वाले जो है चल रहा है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, और आवास योजना है, पीएम आवास योजना, ये सब है। और बाकी आपका ये इंश्योरेंस का जो चल रहा है इनका, प्रधानमंत्री LIC से, हाँ बहुत सारी योजना है, 5 लाख वाला, ये सब है, लेकिन जन आरोग्य वाला, ये सब योजना तो बहुत सारी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है उसका कोई रिपोर्ट कार्ड कोई पब्लिश नहीं करता कि भाई बस योजना आपने लिस्ट कर दी, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या उसका सही बंदे तक उसका पहुंच पा रही है नहीं पा रहे, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड कुछ नहीं है। आपने लिस्ट तो बना दिया, 150 योजना आपने लॉन्च कर दी, लेकिन मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? अच्छा, पिछले 10 कमेटी तक नहीं बनाई है कि भाई उसको कोई मॉनिटर कर रहा हो, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। पिछले 10 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? 10 साल के कामकाज में तो जो मीडिया ने हमें दिखाया कल वही दिखाया, क्योंकि भाई हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाई है। जाहिर सी बात है भाई, मैं एक सिंपल इंसान हूँ, मेरे अंदर 4 अच्छाइयाँ भी है तो मैं बुराइयाँ भी होंगी, लेकिन मीडिया ने क्या करा है, केवल पॉजिटिव चीज़ों को दिखाया गया है। आज सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार का है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं होने की वजह से लोग, पेपर होते हैं 6 महीने बाद कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट आता नहीं है, बोलते 6 महीने बाद दोबारा कराएंगे, है ना, स्टूडेंटों पे लाठियां चल जाती हैं। मतलब अगर सरकार के भी कोई थोड़ा सा कुछ बोल रहा है तो आप सीधा के सीधा उसको बात को दबा दो, मुद्दा क्या है एक बार उसको जानने की तो कोशिश करो कि भाई युवा ऐसा क्यों बढ़ रहा है। राहुल गांधी बात सही बोलता है, ऐसा नहीं गलत बोलता, वो बात सही बोलता है, लेकिन उसकी स्पीच को हमेशा काट पीट के दिखाया जाता है। आपके पास जाता है मीडिया का बात, भाई उसके मुंह से कुछ, मीडिया नहीं करती है, वो जो
इनके आईटी सेल होते हैं वो करते हैं, जैसे कांग्रेस का भी आईटी सेल है और भाजपा की आईटी सेल, वही आईटी सेल का ही जो उन्होंने वीडियो बनाया वो जाकर तुम नेशनल न्यूज पे दिखा देते हो कि उसने ये बोल दिया। जनरली हर इंसान थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए थोड़ा सा रिएक्शन करता है, हाथ हाथ हिलाता है, स्माइल देता है, उसको तुम गलत नज़रिए से दिखा देते हो तो वो क्या होता है, जो लोग सारे के सारे लोग ना वन साइड हो जाते हैं कि भाई यार इसने ऐसा कर दिया। जो भी लोग हैं उनको समझनी चाहिए, ऐसा नहीं सोच समझ के क्यों नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी आप देखोगे तो बड़े बाहर देशों से उसको बुलाया, उनको बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, अमेरिका में बुलाया जाता है, बंदे को कोई ना कोई बात तो होगी, एजुकेशन भी है, पढ़ा लिखा भी है, युवा भी है चीज़ों का। और जाहिर सी बात है कांग्रेस बहुत पुश्तैनी पार्टी है इंडिया की, जरूर ठेका केवल बीजेपी ने रखा कि वही देश की तरक्की करेगी, नहीं बिल्कुल नहीं, जो देश का उत्थान करे वो दिखाया तो जाता है कि एक ही साइड, एक ही साइड दिखाया जा रहा है कि भाई बीजेपी बीजेपी आज की डेट में दिल्ली में कितना घमासान चल रहा है। अगला महीने इलेक्शन है, आपने पूरी की पूरी फोर्स एक आम आदमी पार्टी को लगा दी, अरे उसको लड़ने का मौका तो दो, आप जनता का देखो जनता कितनी उसके साइड का कितनी साइड है, जनता को फायदा हो रहा है तभी तो उसको वोट देगी, आप उसको चुनाव में लड़ने का तैयारी नहीं हो, उसको आपने हटाई दिया। अब देखना आज इलेक्शन, आज हाई कोर्ट की सुनवाई है, मे भी हो सकता है उसकी सरकार बर्खास्त कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा दो, कुछ भी कर दो, तो जब एक ही चीज़ दिखाओगे तो जनता का सोच, जनता को ये कि जनता को आके वोट देना है, अब बोलेगी कांग्रेस को ये दिखा दिया है, आम आदमी पार्टी को दिखा दिया, तो जाके जाके एक ही बटन दबा। जनता का तो अपना विचार होता है ना, विचारों को विचारों तो विचारों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है तरुण, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाला हूँ और खेतापट्टी गांव है मेरा, प्रॉपर गांव का रहने वाला हूँ, प्रॉपर गांव से है जो कि दिल्ली में। फिर सरकार की एक योजना है 301 रुपया एक दिन का, क्या वर्कर का बीमा योजना हाँ। बैंक से होता है जो, वो वाला मैंने खुद ही करा रखा है, कम से कम एक्सीडेंटल 2 लाख के लिए मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, 5 लाख का मेरा कार्ड बना हुआ है सरकार का, आज मुझे इलाज के लिए डर नहीं है। हमारे यहाँ लोग लाख रुपए के लिए मर जाते हैं, किसी के बुढ़े आदमी को अगर कुछ बड़ा। इस बार आजमगढ़ से कौन लड़ रहे हैं? निरहुआ जो भोजपुरिया सुपरस्टार है निरहुआ, उनको जीतना चाहिए, और नहीं जो भी काम करे वो जीते। आपको लगता है कि मतलब ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जिनको मतलब जिनका कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है? मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ छोटे लोग भी हैं बड़े लोग भी हैं आजमगढ़ में, सबके पास पहले गैस के लिए चूल्हे भी नहीं हुआ करते थे, सरकार की ये जो योजना चली उज्ज्वला योजना सबके पास चूल्हे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर मिलता है, मुझे 800 रुपये का चूल्हा मिलता है, मुझे मंजूर है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। राशन हमें जब से कोरोना काल चालू हुआ तब से मेरे घर में रोज़ राशन हर महीने फ्री आता है। आपको लगता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अगर देश के लोगों को अगर हम राशन दे रहे हैं तो क्या ये सही है? नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, लोगों को सक्षम बनाना सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए कि लोग यही बात फिर केजरीवाल के फ्री योजना पे लागू होती है, जैसे बसों में फ्री सफर करना, जो मुक्त रेवड़ी की योजनाएं हैं, सुनिए, जैसे बसों में फ्री योजना करना, सबको फ्री बिजली का बिल क्यों दें हम, सोचना चाहिए। बहुत देशों में ऐसा होता है कि कुछ मैंडेटरी चीजें हैं, कोई दूसरी सरकार कर रही है तो अच्छा कर रही है और तीसरी सरकार कर रही है तो वो फ्री की योजना आप लेना नहीं चाहते। क्या है राशन मुक्त दिया जा रहा है? राशन नहीं, आपका जैसे एजुकेशन को पर होता है क्या, पर गांव के लोग शहरों में आके क्यों काम कर रहे हैं, जिससे चोरी होती है। हाँ, ये पॉइंट है ना, गांव के लोग शहरों में आके, तो सवाल उठना चाहिए अगर गांव में इतना विकास होना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, हमें यहाँ आके बुरा लगता है काम करना, दिल्ली नोएडा नहीं आना चाहते, हमारे लिए कुछ लखनऊ में करें, बनारस में करें, गोरखपुर में करें, जिससे बाहर की जनता वहाँ आए, ऐसा हम भी चाहते हैं। हाँ, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, रोजगार वहाँ पे आना चाहिए, लघु उद्योग लगने चाहिए वहाँ पे, जरूर करने की गांव। अब देखो यूपी बिहार से लोग या दूसरे छोटे जितने भी माइग्रेंट होते हैं लगभग यूपी बिहार से आता है, फिर यहाँ पे मेरे साथ ही काम करने वाले छोटे मोटे काम करता हूँ ना, तो बिहारी कहते हैं कि बिहारी बोला, कोई चावल कहता है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता है कि हम विदेशी हैं, ऐसा भी महसूस होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ भी कुछ ऐसा रोजगार मिले कि लोग वहीं के वहीं रुके। सरकार को करना चाहिए ओवरऑल कंट्री का होना चाहिए, यानी कि अपने मेट्रो सिटीज को डेवलप कर दिया, आपको गाँव को भी डेवलप करना, वहाँ पे रोजगार, शिक्षा और टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे बने चाहिए, बहुत सारी वहाँ पर कितनी सारी जमीनें पड़ी हुई है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बनाई जा सकती है, ताकि रोज टूरिस्ट प्लेस जब बनेगा तो वहाँ पे रोजगार भी आएगा, कुछ भी और रोजगार डेवलप हो जिससे लोग
इतना दूर आए ना काम करने के लिए, वहीं रुके। मतलब इनका कहना है कि कुछ भी हो देश में, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो लोग जिन योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार योजनाएं लॉन्च करके, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करके भूल जाती है, लेकिन जनता तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो ऐसे ही आदम गोंडवी की एक कविता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रशांत पाल है, मैं ग्राम सिमावली जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। हापुड़ से हैं। सबसे पहले आप बताइए कि युवाओं के लिए सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, कोई दो योजना बता दीजिए। युवाओं के लिए दो योजना, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 साल बेमिसाल। आप योजना की छोड़िए, 10 साल बेमिसाल, इतने बड़े बड़े काम किए सरकार, 10 साल बेमिसाल, लेकिन फिर भी हम, मैं पूछ रहा हूँ कि दो योजना युवाओं के लिए, दो योजना, 10 साल बेमिसाल, दो योजना बता दीजिए। दो योजना युवाओं के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं के लिए, ऐसे तो कोई जानकारी नहीं, कुछ योजना है मुझे ध्यान है। तो फिर कैसे 10 साल योजना? आवास योजना तो बहुत सारे लोग ले, मैं पर्टिकुलर युवाओं की बात कर रहा हूँ, युवाओं के लिए। युवा अब तक मुझे किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ। सरकार आपको जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आप कह रहे हैं 10 साल बेमिसाल, तो कुछ तो मेरे नजरिए से युवाओं के लिए नहीं, सबके लिए 10 साल बेमिसाल। युवाओं का मैं अपना, मतलब आपको आपको पता है नहीं पता, ये बता दीजिए। नहीं पता युवाओं के बारे में ये योजना जो आप, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, और बाकी ऐसी मोटे मोटे तौर पर योजनाएं पता है जिनसे लाभान्वित हुए हैं, घर घर आवास योजना महिलाओं के लिए। और ठीक है, अब आप क्या कह रहे चाहते, 10 साल बेमिसाल, मतलब क्या लगता है? 10 साल बेमिसाल मतलब जैसे धारा 370 बहुत बड़ी बात थी इस देश के लिए। कुछ ही मुद्दे हैं जैसे धारा 370, राम मंदिर, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे नहीं है, बहुत बड़े मुद्दे हैं जो आज तक कोई रिजोल्व ही नहीं कर पाया, इन्होंने आके रिजोल्व कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो इनके जो लोग बोलते थे इनका प्रोपोगेंडा ये कभी नहीं कराएंगे, वो इन्होंने खत्म कर दिया करा के। अब ये विकास की तरफ जा रहे हैं, आप सड़कें देखिए, ठीक। और लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, आप पहले जानकारी बढ़ाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है, पढ़िए आप, हम दिखा देंगे आपको। बताओ, पढ़ा लिखा कोई भी दिखाइए जिसके पास जानकारी है। मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में पुलिस भर्ती नहीं निकली है। अभी पिछले हाल ही में यूपी में पुलिस भर्ती हुई थी, पेपर लीक हो गया, यूपी बोर्ड के पेपर लीक हो गए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, टीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, बहुत सारी परीक्षाएं हो, यूपी में कितनी नौकरियां निकली हैं आपके हिसाब से? देखो, सिस्टम जो है ना एकदम से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जो पुराने सत्ता पे लोग काबिज थे वो ऐसा ही कराते थे अपने कर्मचारियों से, क्योंकि कर्मचारी तो अभी वही है ना सर, अभी जो सिस्टम में। लेकिन जो सिस्टम लागू होता है ना, ऊपर से लागू होता है ना, अगर मान लो मैं बॉस हूँ, अगर मैं कह दूं कि मुझे इतने लोगों को हायर करना है, आप सिस्टम में हो तो आप मेरे कहा काट सकते हो? नहीं, काट तो नहीं सकते, पर अपने कुछ लोग लाके मैं वो तो कर सकता हूँ ना, जो इसके काबिल है लोग उन्हें तो हटा सकता हूँ ना, अपने कुछ लोग। आपके हिसाब से युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जो अच्छे से पढ़ा है लिखा है उसके लिए रोजगार की कहीं की कमी नहीं है। आप कोर्स करके बैठ जाइए, आपके पास जानकारी नहीं है, आपने क्या पढ़ा है, कौन रोजगार देगा आपको? ठीक है, जनता के अपने अपने विचार है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप हुनरमंद हैं और अगर आप सही से योग्य हैं तो काम की कोई कमी नहीं है। कुछ और लोगों से अभी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सरकार की किन किन योजनाओं के बारे में उनको पता है या नहीं पता है। आइए, अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।